मटन की रेसिपी देख ली, मछली की रेसिपी देख ली, चिकन की रेसिपी देख ली, अदरवाइज और भी कई सारे नॉनवेज के फूड की रेसिपी मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक ही कंटेंट से जो है आप लोग जो है बोर ना हो जाए, इसके लिए जो है सोचा कि कुछ ना कुछ जो है आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आया जाए, तो इसीलिए आ गए हम लोग मन्नू चिकन कॉर्नर के पास, जो कि बेलवा कारखाना कुशीनगर जिला उत्तर प्रदेश के अंदर जो है फिर से मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक नॉनवेज का ही आइटम है, बट वो है मटन का स्पेयर पार्ट। तो उसको तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यहाँ पे जो है बनाया जाता है मटन का पचौनी, जो कि अभी तक जो है मैंने अपने चैनल पे बिल्कुल भी उसको शूट नहीं किया है। तो वो मैं आपको कुछ नया आज दिखाने वाला हूँ और उसकी फुल मेकिंग देखेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे। इसका जो स्पेयर पार्ट जो पचौनी का होता है ना, ये क्या होता है कि हर किसी के जो बस की बात नहीं होती है कि इसको जो साफ़ करके और अच्छी तरीके से जो है उसको बना लेना। बहुत कम लोग जो इसको बनाना जानते हैं और साफ़ करना जानते हैं। साफ़ करना इतना मुश्किल होता है कि हर कोई इसको नहीं बना पाता है। तो इसीलिए जो हम इनकी शॉप पे आए हैं और ये जो है मटन की पचौनी बनाते हैं, और तो इनसे हम सीखेंगे मटन की पचौनी आखिरकार कैसे बनाई जाती है और प्राइस भी बताएंगे आपको। और प्राइस जो है भाई साहब इतना रीजनेबल प्राइस है ना कि उस प्राइस में जो है वो स्पेयर पार्ट जो है कहीं भी नहीं मिलता होगा शायद, जिस प्राइस में ये देते हैं। तो वीडियो के एंड तक जो प्राइस आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को देर करते हुए स्टार्ट करते हैं और आपको फुल मेकिंग दिखाते हैं। देखिए घर से धो धो कर लाए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत गंदगी निकालने के लिए इसको गर्म करके फ्राई करके इसको और थोड़ा जो कचरा है वो भी निकाल दें कि पूरी तरह से एकदम वाइट हो जाए, सफाई हो जाए। बस यानी बिल्कुल भी गंदगी नहीं छोड़ते, नहीं थोड़ा भी नहीं रहे, हल्का थोड़ा सा पानी इसमें छोड़ दीजिए। अच्छा। बिल्कुल सफाई के लिए इसमें नमक थोड़ा डाल दीजिए, बिल्कुल सफाई आ जाए तब देखिए इसका चमक। थोड़ा इसको चला दीजिए, अभी धीका हुआ नहीं है, ये वाइट वाइट छूटने लगा, देखिए अब छूटने लगा। तो देखिए ये जो गंदगी है सब ऊपर आने लगी, देख रहे हैं ना, ये जो गंदगी है पूरा, देखिए ये पूरा गंदगी और कुछ था वो भी निकल गया। बहुत बढ़िया। अब इसको दो चार पानी खंगार देंगे फिर बिल्कुल मूल कर साफ हो जाएगा। अच्छा, अभी और साफ करेंगे। जी अब ये आ गया, यहाँ पे धुलने के लिए अच्छी तरीके से उबला गया है। अब इसको इसमें गिरा कर हाथ से मिक्स कर धोएंगे। मतलब यार ये तो एक बारी का काफी बार इसका प्रोसेस करते रहते हैं आप लोग, धोने का है। अब इसको मिस दीजिए, गरम रहे पानी नहीं है, मिस आ रहे अब आ गए एक बाल्टी पानी। अब इसको हाथ से रगड़ दीजिए। इसीलिए जो है हर कोई आदमी जो है इस चीज को अपने घर पे नहीं बना पाता है ना। जी क्योंकि सफाई करते करते ही सारा दम निकल जाता है। तो भाई आप देख सकते हैं कि साफ सफाई जो है भैया कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, घर से भी धो के काट पीट के लेके आए हैं, उसके बाद जो है उबाला और उसके बाद जो है अब जो है नलके के पानी से अब साफ कर रहे हैं। अभी लास्ट पानी है, लास्ट अभी हो गई सफाई पूरी है। और आप लोग देख सकते हैं कि सफाई होने के बाद जो है पानी कितना क्लीन दिख रहा है, बस ये है कि उसका जो ऑयल है ना वो आपको वाइट वाइट नजर आ रहा होगा, बट ये पूरी तरीके से क्लीन है। ये सफाई होने के बाद जो है जाएगी प्लेट के अंदर। देखिए पतीला गर्म हो गया है, सबसे पहले इसमें तेल डाल रहा है। तेल जी 1 किलो तक प्याज डालेंगे। 1 केजी? हाँ 1 केजी। अच्छा पचौनी कितना लिए थे? 2 किलो। 2 किलो। ये सूखा मिर्चा है, लहसुन है। अच्छा। इसको पीसेंगे, पीस कर उसमें डालेंगे। अच्छा सारा का मिक्स भी करते हैं? हाँ। अब इसमें देखिए सूखा मिर्चा लहसुन जो पीसे हैं मशीन में वो भी डाल रहे हैं। मोटा मोटा कूट करते हैं? हाँ मोटा मोटा। अच्छा मोटा जानबूझ के कूटते हैं या फिर मिक्सी में मोटा कूटते हैं? अब सब मशीन में गला देंगे तो क्या करेगा। अच्छा अच्छा इसमें नहीं गलेगा। थोड़ा 2-4 मिनट पकेगा, उसके बाद डालेंगे वो पचौनी डालेंगे।
प्याज देखिए 5 मिनट में पक गया, अब इसमें डाल दे रहे हैं वो कचौनी। अच्छा, अब इसको साथ ही साथ डाल देते हैं। हाँ, इसलिए डाल देते हैं, थोड़े बहुत चिमर होता है। अच्छा, इसलिए प्याज के साथ इसको गलाते हैं। अच्छा, मतलब तो गलने में टाइम लगता है। टाइम लगता है। अब इसको मिक्स करने के बाद 10 मिनट पकेगा, 10 मिनट उसके बाद मसाला उसे डाल देंगे। और भैया आपकी शॉप पे कोई आएगा तो कैसे आएगा, टाइमिंग क्या पूरी? 10 बजे 10 बजे खुलता है। अच्छा, 9 बजे शाम को बंद करते हैं। शाम को 9 बजे बंद करते हैं। टाइम हो गया अपनी शॉप को? 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गया। हाँ, तो देखिए गल गया है, आधा घंटा हो गया पकते हुए, पूरा ऊपर हो गया, ऊपर एकदम पक गया है बढ़िया तरह से। अच्छा, प्याज भी लगभग सब सब गल गया है। ये जो मसाला है ये गर्म मसाला है। अच्छा, गर्म मसाला क्या क्या है? जावित्री है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारा है, जीरा वीरा है जी, ठीक है, जीरा है, लौंग है, हर एक आइटम है, ठीक है। इसको पीसेंगे मशीन में, देखिए मसाला जब मोटा मोटा फूटता है जी, मैं मसाला डाल दे रहा हूँ। अच्छा, जो पीसे थे। हाँ, और अपना कलर वाली लाल मिर्च। हाँ, सब वो कश्मीरी। और ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। और अब अगला कार्यक्रम क्या होगा? बस 15 मिनट में हो जाएगा, मसाला पक जाएगा, हो जाएगा, मसाला पकती हो जाएगा। नहीं, और लोग जैसे सीटी लगाते हैं, गलाते हैं? नहीं, तो कुकर नहीं हुए। अच्छा, डबले में पहले उबाले थे, आप देखे थे ना? हाँ, जो उबाले थे डाल के आधा उधर गल गया। अच्छा अच्छा, गल भी गया और सफाई भी हो गई। सफाई भी हो गई। नमक हमने धोते समय डाला था, इस समय थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। नमक जो है मतलब चेक करा है, कम है। हाँ, कम है। अभी आ गया थोड़ा सा और नमक, से एकदम लटपटार हो गया है। तो पानी का इस्तेमाल इसमें करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं नहीं, पानी थोड़ा भी नहीं। पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे? अच्छा जी, माल रेडी हो गया। अभी रेडी पूरी तरीके से, पूरी तरह से रेडी है। अच्छा, आपने बिल्कुल भी इसके अंदर जो रासा वासा बिल्कुल कुछ भी नहीं रखा? नहीं, एकदम सूखा है। एकदम सूखा। अच्छा, सूखा लोग पसंद करते हैं ज्यादा, यहाँ पे यही चलता है। अच्छा, इसके साथ में खाने के लिए क्या क्या देते हैं? बस आपका मर्जी, घाटी लिट्टी ले लीजिए, कुछ भी अगर खाइए। और जैसे चावल वावल किसी को रोटी खाना हो? सब मिल जाएगा। सब मिल जाएगा एकदम। तो भाई इसको देख के जो है आपके मुंह में जो है अगर पानी आ रहा होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में एक बार बता जरूर देना यहाँ भाई किस किस के मुंह में पानी आया, क्योंकि मुझे तो बड़ा ही लाजवाब दिख रहा है। और किस तरीके से भैया ने बनाया वो सब कुछ आप लोगों ने देख लिया। ये 10-10 का ₹10 का भी दे देते हैं। 10 का क्या करें, दे दे रहे हैं, इतना का हो गया, हो गया। तो ये गाइस हमारे लिए प्लेट लगने जा रही है। ये कितने रुपए का हो गया? ये 20 का है। ये 20 का हो गया है। तो ये हमारी प्लेट जो है इसके साथ में और क्या क्या खाने के लिए? लिट्टी है, चावल है, रोटी है, मतलब खत्म है इस समय। चावल और रोटी तो आपने पहले बता दिया, खत्म है, तो कोई बात नहीं, लिट्टी दे दीजिए। तो फाइनली गाइज मन्नू भैया का जो है ये पचौनी जो बन के बिल्कुल पूरी तरीके रेडी है। और आप लोगों ने पूरी वीडियो में देखा है कि भैया ने किस तरीके से साफ़ सफाई करी है, जैसे घर से जो है धुल के आया उसके बावजूद भी जो इन्होंने नलके में जो किस तरीके से साफ़ सफाई की, मतलब ये लगा लीजिए किसी के भी बस की बात नहीं है। इसको जो हर किसी को जो है अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लेना, नमक के पानी से उबाला उसके बावजूद धोया। तो चलिए बिना किसी देरी के जो अब इसको टेस्ट करते हैं, बनके पूरी तरह रेडी है और इसका टेस्ट कैसा होने वाला है वो आपको बताते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये गला हुआ कितना वो भी आपको दिखाएंगे। और लिट्टी के साथ जो हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, तो इसको सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं कि भाई ये गला हुआ कैसे है। तो सबसे पहले एक पीस टेस्ट करेंगे। रियलिटी इसकी ये है, नमक डाल के जो है पानी के अंदर जो उबाला था ना उसके बावजूद भी ये इतना टाइट है कि प्रॉपर 100% नहीं गला हुआ है। और अगर मैं आपसे एक बात करूँ ना कि मटन या चिकन या किसी भी तरीके का नॉनवेज हो, फिश को छोड़ के, भाई साहब वो अगर अगर थोड़ा सा ना कच्चा हो ना उसका मज़ा तभी है। और मसाले जो इन्होंने साबुत डाले थे और लाल मिर्च और साबुत लहसुन जो है उसका जो मिक्सी में जो इन्होंने दरदरा जो कूटा था ना, भाई साहब उसकी वजह से फ्लेवर जो है ना
काफ़ी अलग यूनिक आ रहा है इसका टेस्ट, काफ़ी ज़्यादा अलग। अब जो है लिट्टी के साथ में इस पीस को उठाएंगे, क्योंकि भैया ने इसमें ग्रेवी तो रखी नहीं है, बिल्कुल सूखा सूखा निकाल दिया है। और यूपी और बिहार का फेमस जो है लिट्टी और चोखा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन भाई साहब लिट्टी इसके साथ में भी जो दे रहे हैं ना, तो कोई ना कोई खास वजह ज़रूर है जिसकी वजह से दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है लिट्टी का। दूसरी बाइट में जोड़ लूँगा इसकी, चावल जो अगर होते ना तो भाई साहब मज़ा आ जाता, क्या फ्लेवर आ रहा है इसका यार, मैं बता नहीं सकता आपको। भाई साहब मैं इनका फ़ैन हो गया हूँ, ये चीज़ जो है हर जगह आपको नहीं मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो यार लंबी हो रही है, अब इसी के साथ साथ मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अपनी नई एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।